जय हिंद फ्रेंड, जॉब से जेड चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडक्वार्टर पश्चिमी यूपी सब एरिया मेरठ कैंट की भर्ती के बारे में। जो भी कैंडिडेट हैं एग्लेबल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट बहुत पास में रखी गई है, 10 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म आपका रखा गया है, तो जो भी कैंडिडेट हैं एग्लेबल जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी जानकारी पूरी इस वीडियो में लेने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि वैकेंसीज हेडक्वार्टर पश्चिमी यूपी सब एरिया की मेरिट कैंट की तरफ से ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। पहली वैकेंसीज है आपकी मैनेजर की तरफ से। मैनेजर की वैकेंसीज है वो रिटायर्ड कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए रहने वाली है, तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई ना करें। बाकी के जो भी पोस्ट हैं जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेजुएट पास होना चाहिए और बाकी की एज आपकी 62 एज रखी गई है। इसमें आपको पेमेंट मिलेगा 65,000 रुपये। नेक्स्ट पोस्ट आपकी तीन आपकी एमटीएस पद के लिए रहने वाले हैं। तीन वैकेंसीज एमटीएस की रहेंगी, जिसमें 12वीं पास और कंप्यूटर का जिसको नॉलेज है या कंप्यूटर स्टोर का जिसको भी नॉलेज है वो कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होंगे। यदि आप 12वीं पास हैं कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट एज आपकी 40 साल रखी गई है और मेडिकली रूप से फिट आपके होने चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं कुछ CSD वगैरह से आपका जो भी आपका जानकारी आपको होनी चाहिए या किसी भी प्रकार के स्टोर वगैरह की जानकारी आपको हुआ है तो इसमें आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। 14,000 पेमेंट रहेगा, साथ में आपको EPF और CHRC अभी आपको आपको रहने वाला है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी और आपको EPF की फैसिलिटी भी आपको रहने वाली है। आजकल में जो भी कैंटीन है कैंटीन डिपार्टमेंट में पहले परमानेंट भर्ती आपकी आउट की जाती थी, अब इसी बेस पे आउटसोर्सेज बेस पे ही आपकी भर्ती होती है। इसलिए इसमें साथ ही आजकल गवर्नमेंट ने EPF है जो भी है वो भी आपका कटने लगा है। जो भी कर्मचारी जो जॉब करेगा जो भी इसी प्रकार से आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसमें EPF ही कटेगा और ESIC जो होता है उस वो भी आपका होगा, जो कि मेडिकल फैसिलिटी भी आपकी रहेगी। तो इसमें टोटल आपको 14,000 पेमेंट आपका रहने वाला है। दो MTS तीन वैकेंसीज के लिए आप 12वीं पास वाले कैंडिडेट इसके लिए अब अवेलेबल रहेंगे। जिसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी दो स्टोर हेल्पर की वैकेंसीज हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। दो वैकेंसीज हैं, मेट्रिक 10वीं पास और कंप्यूटर का जिसका नॉलेज है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसमें 40 साल एज आपकी रखी गई है। मेंटली और फिजिकली फिट आपको होना चाहिए। 12,000 पेमेंट आपको मिलेगा और साथ में EPF और CSE आपका कटेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप जो कहें अप्लाई करना, इसमें एप्लीकेशन आप एक नॉर्मल निर्जुम तैयार करवा सकते हैं जिसमें आपका खुद का नेम, उसमें फ़ोटो और खुद की पूरी डिटेल्स, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, लोकेशन है, एड्रेस वगैरह सभी आप एक छोटा रिज्यूम तैयार करवा सकते हैं, जिसमें इसके साथ ही डॉक्यूमेंट जितने भी सेल्फ अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट आपको लगानी है और दो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको साथ में लगानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लगा रहे हैं वो सभी इंटरव्यू के टाइम में आपके पूछे जाएंगे। 11 मंथ के लिए ये आपका काउंटर बेस का आपका वैकेंसीज रहेगी, जो कि आप आउटसोर्स की वैकेंसीज बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके यदि भर्ती होगी तो उस टाइम में आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आप इसे न सोचें कि मेरे को परमानेंट ये नहीं हो सकता, ऐसा होगा ऐसे लास्ट में ऐसे ही भी हो सकता है। जो कि आपकी वैकेंसी निकलती हैं आपके कैंटीन में धीरे धीरे उसको परमानेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल आउटसोर्सेज से वैकेंसी सारी निकाली जा रही हैं। इसकी वैकेंसीज जो आएगा जिसकी जो भी आपकी जानकारी है मैसेज के द्वारा या जो भी आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड किए जाएंगे उनको कॉल के द्वारा बता दिया जाएगा। 15 अप्रैल को आपका इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एग्लेबल है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तीन MTS के पद हैं, दो आपके स्टोर हेल्पर के आप पद हैं जिसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा पास के कैंडिडेट को पैसा भी अच्छा मिलेगा और साथ में आपको जो भी आपके EVF की फैसिलिटी या जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। तो इससे संबंधित किसी को इंडिकेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।